हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ इंस्टेंट मोदक रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। तो घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, तो इसको मेल्ट होने के बाद हम यूज़ करेंगे। ये घी मेल्ट हो गया है, तो अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कटोरी भर के चावल का आटा। तो ये चावल का आटा है, आप इसे घर पर भी बना सकते हो और बाज़ार में बड़ी आसानी से इसका ये मिल जाता है, तो इसे आप बाज़ार से ला सकते हैं। तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। जिस तरह से हम आटे को भूनते हैं, इसी तरह से इसको हम अच्छे से भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। तो देखिए, अच्छे से जैसे जैसे ये भुनेगा, वैसे वैसे ये अपना जो घी है वो छोड़ देगा। बिल्कुल देखिए, गीला गीला सा हो गया। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से किशमिश, तो किशमिश इसके साथ अच्छे से भुन जाएंगी। तो 1 या 2 मिनट तक ही करना है, ये फूल जाएंगी अच्छे से। और इसी के साथ डाल देंगे हम कटे हुए बादाम, तो इनको अच्छे से 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे दोनों चीज़ों को। तो ये देखिए, अपना जो आटा है भुन गया है। और सबसे लास्ट में डाल देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। तो कोकोनट आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं आप, या ग्रेटेड है तो वो डाल सकते हैं। तो इसको हम एक थोड़ी सी देर इस तरह से पका के, और हम इसको साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसको हम दूसरे बर्तन में साइड में करके रख देते हैं। और उसी कढ़ाई को मैंने दोबारा से साफ़ करके ले लिया है, और उसमें डाल दिया है मैंने 1/2 लीटर दूध। तो दूध हम फुल फैट लेंगे। अगर आपके पास फुल फैट नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं या मावा ले सकते हैं, जिसको हम थोड़ा सा पतला करके यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो अब मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि ये इसमें लम्स नहीं पड़े। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसमें डाल दिए हैं मैंने केसर के धागे, जिससे कि अपने जो दूध का कलर आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, और स्वाद भी अच्छा आएगा और खुशबू आएगी। तो इनको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक तब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए। तो अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसको हम इस तरह से पकाते रहेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक इसको मैंने पकाया है, और इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ली है, तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, जितना आप मीठा आपको चाहिए। तो चीनी अच्छी तरह से घुल जाए तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और देखिए, अपनी चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है नीचे, मतलब अंदाज़ा नहीं लग रहा है, चम्मच से नहीं अट रही है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि चीनी अब घुल चुकी है और दूध काफ़ी उबलने लग गया है। तो इसमें डाल देंगे हम अपना जो भुना हुआ जो चावल का आटा हमने मिक्सर बना के रखा था उसको, और लगातार इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा आपको पतला लग रहा है, लेकिन ये 1 से 2 मिनट में ही काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे ना लगे। तो देखिए, 2 मिनट के अंदर ही ये इतना गाढ़ा हो गया, क्योंकि जो चावल का आटा था उसने जो दूध था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और ये पूरा मिश्रण जो है गाढ़ा हो गया। तो अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे थोड़ा सा लो फ्लेम पर, और इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जो अपना जो मोदक का जो मिश्रण है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि ये अपने हाथ छू सके, हाथ से अपने जो मोदक हैं वो बना सके, इतना ठंडा हम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मोदक मेकर लिया है, जिससे कि मोदक हम अच्छे से बना सकते हैं। तो इसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा घी। घी हम एक बार ही लगाएंगे, और जो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे कटे हुए वो डाल दिए हैं मैंने। तो और इसके अंदर हम अपना जो मोदक का जो मिश्रण बना के रखा है उसको अच्छे से सेट कर देंगे, दोनों तरफ दबा दबा के भर देंगे, जिससे कि अपना जो मोदक है वो परफेक्ट निकल के आए। और इस तरह से दोनों तरफ से दबा के हम, और जो एक्स्ट्रा है जो मिश्रण उसे हम अलग कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। देखिए, अपना जो मोदक है परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे मोदक मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, लाइक
कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।